मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान हर हर माँ को ऐसे बेटे दें जो उनका नाम रोशन करें। हिमाचल की वीर भूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिला का नाम एक बार फिर से दो सगे भाइयों ने सार्थक किया है। जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टपरे पंचायत के नोहंगी गांव के दोनों सगे भाई एक ही वर्ष में नौसेना और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। दोनों बेटे जब अफसर बनकर घर लौटे तो माँ की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गई और पिता भी फूले नहीं समा रहे थे। बड़ा भाई रोहन भारद्वाज इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बना है तो वहीं छोटा भाई राहुल भारद्वाज इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बना है। इन दोनों भाइयों के पिता सुशील कुमार इंडियन नेवी से ही MCPO 2 पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सुशील कुमार वर्तमान में सरकारी स्कूल में बतौर लेक्चरर सेवाएं दे रहे हैं। दोनों भाई सैनिक स्कूल सुजानपुर के छात्र रहे हैं। दोनों भाइयों ने UPSC NDA NA की परीक्षा को पास किया है। इसके बाद रोहन भारद्वाज इंडियन नेवल अकादमी और राहुल भारद्वाज ने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे तथा इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से ट्रेनिंग पूरी की है। रोहन भारद्वाज को 27 नवंबर 2021 को इंडियन नेवल अकादमी में सब लेफ्टिनेंट के रैंक से नवाजा गया जबकि राहुल भारद्वाज 11 दिसंबर 2021 को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग पूरा कर लेफ्टिनेंट बने हैं। सब लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी रोहन भारद्वाज ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग दरअसल सैनिक स्कूल सुजानपुर से ही शुरू हो गई थी। पिता और अंकल इंडियन नेवी में थे तो बचपन से ही और आर्मी को लेकर उनका रुझान था। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता रिश्तेदारों को दिया है। आठवीं कक्षा तक मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल में था क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में थे और उसके उपरांत मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में गया। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा मैंने वहाँ से उत्तीर्ण की है। उसके उपरांत मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन नेवल अकेडमी में। इंडियन नेवल अकेडमी से फिर फाइनली मैं पास आउट हुआ हूँ जी। ट्रेनिंग तो कहने को तो मेरी सैनिक स्कूल से ही हो रही थी। उसके और पीछे जाया जाए तो ट्रेनिंग मेरी बचपन से ही हो रही है क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में थे और मेरे अंकल हैं वो भी नेवी में थे तो हमें बचपन से ही इसके ट्रेनिंग के बारे में, आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में टाइम टाइम पे पता लगता रहा है। तो उसके बाद जब सैनिक स्कूल में हुए वहाँ पे ट्रेनिंग मिली, प्रशिक्षण मिला, इंस्ट्रक्टर्स सब ने साथ दिया हमारा और फाइनली हम NDA क्लियर करके, NDA रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करके अपने अपने मुकाम पर पहुँचे हैं। वहाँ पे एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग हुई 4 साल के लिए इंडियन नेवल एकेडमी में। वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के सारे जितने भी सेलर्स थे उन सब ने हमें प्रोत्साहन दिया, उत्साह बढ़ाया हमारा। साथ में हमारा सारा श्रेय मैं रिश्तेदारों को देना चाहूँगा। हमारे माता पिता सबसे सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है। हमारे पिताजी जो नेवी में थे ऑलरेडी, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, मैं और मेरा भाई दोनों। उसके उपरांत सारे रिश्तेदारों को जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमें प्रोत्साहन दिया। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 हफ्ते पहले तक यहाँ पे सिर्फ एक अफसर था, अब यहाँ पे 2 अफसर हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए, कल ही मैं अपने भाई की POP में गया था तो वहाँ पे देख पाया मैं अपनी अपने पिताश्री और अपनी माताश्री के आँखों से जब आंसू छलके, मैं समझ गया कि इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट राहुल भारद्वाज का कहना है कि उन्हें अपने माता पिता से ही आर्मी में जाने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि माता पिता ने उन्हें लक्ष्य के प्रति प्रेरित और फोकस रखा। मामा और नाना भी आर्मी में थे, ऐसे सभी की तरफ से प्रेरणा मिली, इसीलिए वह सफलता का श्रेय माता पिता के साथ उन सभी लोगों को देंगे जिनका इस सफलता में योगदान रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का अवसर है कि इस एरिया से मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही यहाँ के पहले नेवल ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर बने हैं। स्टार्टिंग जो थी वो नेवल बैकग्राउंड से हुई थी। जो हमारे फादर साहब हैं, पिताजी, वो पहले नेवी में JCO थे। फिर वहीं से हमें मोटिवेशन मिली कि डिफेंस फोर्सेस की तरफ जाया जाए, तो एक भाई ने सोचा नेवी का रुख किया जाए,
और एक ने सोचा फौज का, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। मेरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिनने स्टार्टिंग से ही हमें अपने साथ रखा, कॉन्स्टेंट गाइडेंस किया हमें, जिसकी वजह से हम इस काबिल बन पाए हैं। और वो हर एक बंदा जिसने हमें प्रोत्साहन दिया, भले वो टीचर्स क्यों ना हो या फिर हर वो छोटी छोटी कड़ी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने के काबिल बनाया, मैं उन सबको इसका श्रेय देना चाहूँगा। स्टार्टिंग से मोटिवेशन फैक्टर तो सारी हमारी फैमिली के मेम्बर्स जो हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलते रहे। मेरे मामा जी, नाना जी, ये सब फौज में थे, तो वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुई। सैनिक स्कूल सुजान टूटीरा के बाद मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो पेपर है वो दिया, उसको पार करने के बाद वहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग और अभी 1 साल की ट्रेनिंग देहरादून में की, जिसके उपरांत मुझे लेफ्टिनेंट पद के लिए नियुक्त किया गया। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित होने का अवसर था कि महामहिम राष्ट्रपति जी वो थे, चीफ गेस्ट थे POP के, जिस वजह से ये मौका बहुत ही ज़्यादा और खुशी भरा हो गया। और उससे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि सारी फैमिली मेम्बर्स और स्पेशली मेरे भाई जो कि पहले एक सब लेफ्टिनेंट बन चुके थे, वो भी मुझे लेने आए और हमारी POP और ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो गई। नम आंखों में माता रेशमा देवी ने कहा कि वह ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, वह अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हैं। रेशमा देवी का कहना है कि भगवान से यह दुआ करते हैं कि सबको ऐसे बेटे दे। ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं हूँ, पर आज मेरे बच्चों ने मेरे दूध को मतलब एक बहुत ही मतलब मेरे शब्द नहीं है इसके लिए, मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान हर माँ को ऐसे बेटे दें जो उनका नाम रोशन करें और देश की तरक्की हो, हर तरह से घर में मतलब सबके ऐसे खुशियाँ आएँ। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी ऐसा होगा, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपनी खुशी कैसे किसी को बताऊँ। पर मैं हर माँ के लिए ये दुआ करनी चाहूँ कि उसकी कोख से ऐसे बच्चे पैदा हों जो देश का नाम रोशन करें, और बस इससे ज़्यादा सब नहीं है। थैंक यू। इंडियन नेवी से MCPO 2 पद से सेवानिवृत्त हुए सुशील कुमार ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके दोनों बेटे देश के लिए अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि देश सेवा हर सेवा से सर्वोपरि होती है और परिवार में इसका जज्बा शुरू से ही था, जिससे उनके बेटों ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता में इन दोनों बच्चों के दादा स्वर्गीय दिले राम और दादी माँ स्वर्गीय सुखा देवी का योगदान रहा है। उनकी त्याग और बलिदान का ही नतीजा है कि आज उनके दोनों पोते माँ भारती की सेवा में जुटे हैं। What is the difference between बाकी जॉब में और आर्मी में? तो ये सब वन थिंग एंड आई वाज जस्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि जॉब आपको कहीं और मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, बट आर्मी गिव यू लाइफ एंड दैट्स व्हाट आई कैन से। इवन नेवी और आर्मी डिफेंस फोर्सेस गिव यू लाइफ, इट मेक्स यू अ वेरी स्पेशल पर्सन इफ यू कैन रियली डू दैट। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि दोनों एक ही सेशन में हुए 2018 में, और उसके बाद 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनको अपना अपना कमीशन मिला है। ये तो मेरे लिए दो पल बड़े ही स्पेशल थे, एक जब मेरे दोनों बेटे 9th में सैनिक स्कूल सुजान पटीरा में हुए हैं। ये इतना आसान नहीं है 9th में, 9th में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो छठी के बाद छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल को किसी वजह से, तो 5-6 वैकेंसियाँ होती हैं, उनमें से अगर 2 बच्चे मेरे हो पाते हैं कंसेक्यूटिव टर्म में 1 साल के बाद दूसरे साल में, तो वो एक बड़ी खुशी की बात है। वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट था, मुझे अभी भी याद है, वो 21 फरवरी था
जब मुझे फाइनल कॉल आया था कि मेरा दूसरा बेटा भी हो गया, और उसके बाद दूसरा था जब वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पास हो गए थे सितंबर 2017 में। तो ये दो दिन मेरे लिए बड़े स्पेशल थे, और तीसरा अब था जब दोनों बेटों को कमीशन मिला है। और एक बाप होने के नाते, एक पिता होने के नाते मेरे लिए बड़ी स्पेशल बात है कि मैं इतनी अभी आई एम रनिंग 51 और मुझे दो दो बेटे जो हैं वो मतलब इस तरह से सेवाएं देंगे देश के लिए।